समाजवादी पार्टी के का जो कुनबा है, जो गठजोड़ है, उनका हो चुका है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, आपके पास कौन है सर, कौन है आपके साथ और किस दम पर आप लोग उत्तर प्रदेश में इस बार चल रहे हैं? पराग जी, हम कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों की दम पर चल रही है और अपने विकास के एजेंडे को लेकर हम जनता के सामने आ रहे हैं। दरअसल सभी क्षेत्रीय दलों की सरकारों को और भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार का दावा करती थी उसका दुष्परिणाम प्रदेश की जनता देख चुकी है। इस समय प्रदेश की जो स्थिति है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, विकास की बात हो, हर मोर्चे पर, कानून व्यवस्था पर यह सरकार पूरी तरह से फेल है। इसलिए इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इनको अब मथुरा और काशी याद आ रहा है, अयोध्या के ये जिक्र करेंगे, ये जाति में, वर्ग में विभाजन की राजनीति करेंगे और नफरत का विकास करेंगे। ऐसे समय में कल प्रियंका जी मुरादाबाद में रैली करने जा रही हैं और आज से ही जो वहां पे उत्साह दिखाई दे रहा है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर कार्यकर्ता जुड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं के साथ और प्रतिज्ञा रैली में अपार जनसमूह उमड़ रहा है। ऐसे समय में हम एक विकल्प लेकर आ रहे हैं कि जो ये डबल इंजन और जो ये नारों वाली सरकार है, इसकी जगह हकीकत में हम जनता को क्या देने जा रहे हैं, विकास का क्या ढांचा होना चाहिए, किसानों की किन मांगों पर विचार होना चाहिए। और निश्चित तौर पर संगठन की कमी के कारण हमें थोड़े दिन सत्ता से दूर रहना पड़ा, लेकिन अब उतनी ही ताकत के साथ हम वापसी कर रहे हैं और हमारा चेहरा हमारी प्रभारी और हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका जी। ठीक है अनिता।